नाम राजेश है, मैं यहाँ का शिवसेना का उपयोग और प्रमुख कार्य। राजेश जी, किस प्रकार से लॉकडाउन और कोरोना महामारी के किस प्रकार से कार्यरत है, किस प्रकार जरूरतमंद और इस बीमारी की ऐसा है कि ये जो कोरोना है, कोरोना या कोविड को जिसको एक संक्षिप्त नाम दिया है COVID-19, कोरोना वायरस डिजीज 2019, जब उससे इंडिया में आया हुआ है, खास करके मार्च के बाद जिस तरीके से ये यहाँ पे स्प्रेड हुआ है, 24 तारीख के बाद लॉकडाउन हुआ, इतना तुरंत विदाउट एनी नोटिस लॉकडाउन होने के कारण काफ़ी लोगों को जिनके हैंड टू माउथ परिस्थितियाँ थी, जिनके व्यवसाय बंद हुए, ठप हुए, ऐसे लाखों लोग इस मुंबई में वंचित रहे, जो कि डेली जो उनको फूड है वो मिलने से। तो शिवसेना ने ये प्रयोग किया और बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग किया, खास करके के वेस्ट में मैं कहूँगा। और आज अपन जो जिस वार्ड में खड़े हैं, पाकी नगर सेविका प्रतिमाताई कोटे, हमारे शाखा प्रमुख सतीश जी परब, इनके माध्यम से ये प्रभाग 59 पे हमने कम से कम हर दिन 32 लोगों को फूड पैकेट दिए रेडी में, जो हर दिन देते थे। बाद में कम से कम इस 59 में 3,500 घरों में शिवसेना की तरफ से और कॉर्पोरेटर की तरफ से ये ग्रोसरी, मिनिमम 15 दिन की ग्रोसरी दी गई। दूसरा कि अलर्टनेस विभाग में अलर्टनेस हो, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, इसके माध्यम से बहुत सारी ये प्रोपोगंडा किया गया कि ये जो कोविड है ये एयरबोर्न नहीं है लेकिन छूने से फैलता है, तो इसके लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। तो ये माध्यम से सबको अलर्ट करना, ये भी शिवसेना के माध्यम से यहाँ पे हुआ। सरकार मेरा नाम प्रशांत काशी। प्रशांत जी, किस प्रकार से आप इस कोरोना महामारी के बीच कार्य कर रहे हैं और आज किस तरह से आयुर्वेदिक? आज चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर जो हाई स्कूल है, उनका एनजीओ है, मेन इनके कर्ता होता अजय पॉल सर है, इनके माध्यम से और लोकल कॉरपोरेटर और लोकल नेता है उनके सपोर्ट से आज यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है तो यहाँ पे हो रही है, जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्लड डोनेशन कैंप है और डेली जो राशन पैकेट बांटने हैं, और अभी ये जो कैंप लगा हुआ है जिससे ये महामारी खत्म होने के लिए हमेशा बताया जाता है। देखते हैं कितना हम एनजीओ होने के नाते कितना कर पाते हैं। डेली उन तक मैसेज जा रहे हैं, जैसे कि मार्केट, फूड मार्केट, वेजिटेबल मार्केट जो खुले रहते थे, ये सेवा की है कि वो खुली नहीं रहते हुए पर्टिकुलर उनको टाइम दिया और यहाँ पे ग्राउंड पे ही फ्रूट मार्केट और वेजिटेबल मार्केट खोल दिया गया है। तो दोपहर के टाइम पे 12 से 3 खुला रहेगा, तो लोग आके अपने सहूलत के हिसाब से खरीद सके और प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर सके, तो इससे वो काफ़ी हेल्प हो रही है। और जो रेशो यहाँ इतना बढ़ जाना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, लोगों में काफ़ी उससे अवेयरनेस आया। यहाँ जरूरतमंद लोगों की जिस प्रकार से आप सेवा कर रहे हैं, लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं, तो खुद का कितना आप ध्यान दे पाते हैं कि लोगों के साथ साथ आप खुद के भी कितना ध्यान दे सकें, क्योंकि जो महामारी किसी को कुछ करो पहले अपना ही ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम अपने आप को फिट रखेंगे तो लोगों को हम फिट कर पाएंगे। तो वो हिसाब से पहले लोगों को हमको अगर कुछ अवेयरनेस लाना है तो हमको पहले अपने अपने अंदर अवेयरनेस होना चाहिए। और जनता से क्या अपील करना चाहिए? प्लीज़ आप घर में रहिए, लॉकडाउन का प्रॉपर पालन कीजिए और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। हाँ, शैलेश कोपड़े, कॉर्पोरेटर हूँ, वार्ड नंबर 59। प्रतिमा जी, अपने वार्ड के लिए किस प्रकार से आप इस कोरोना महामारी के बीच सहायता पहुँचा पा रही है, उनकी जरूरत उनके तक पहुँचा पा रही है? हम लोग जब से मार्च में ये हुआ है कोरोना का, जब सब तरह वार्ड में
हुआ है, तो तब से हम लोग ने पर डे फर्स्ट से हम लोग ने अवेयरनेस के लिए फर्स्ट हम लोग ने रिक्शा प्रोवाइड की, रिक्शा में सब बैनर्स लगाए लोगों को अवेयर करने के लिए। उसके बाद जैसे हमारे लोगों को आपने बोला खाना प्रोवाइड किया है, ग्रोसरीज प्रोवाइड किए, ऐसे हम लोग कर ही रहे हैं अभी तक। आज जो ये लोगों को आयुर्वेदिक दवाई सर जो है प्राध्यापक अजय कौर सर है, उनके माध्यम से एकता मंच के माध्यम से आज ही हम लोग अभी COVID-19 के लिए जो उपलब्ध किया गया है 3 दिन ये होने वाला है। और सच में अच्छी बात है, अजय सर जैसे और बहुत सारे NGO से है जो लोगों के लिए आज आगे आ रहे हैं, उसमें वर्सोवा की खास करके जो अध्यक्ष सब लोग हैं बोलो वो सब लोग आगे आ रहे हैं, और आज सब लोग मिल के जो कर रहे हैं ना तो उसके लिए बहुत अवेयरनेस हुई है मैं बोलना चाहूँगी। और इसमें ये जो होम्योपैथिक COVID-19 के लिए जो दवाई आज उपलब्ध की जा रही है सबके लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आज की जा रही है। मेरा नाम सुधीर हजादे है और मैं वर्सोवा कोकनी सुनी जमा ट्रस्ट जो यहाँ की सबसे बड़ी मुस्लिम संस्था है वर्सोवा की, जो दरगाह कब्रस्तान मस्जिदें मैनेज करती है हमारे एरिया में, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जब से ये महामारी शुरू हुई है उस दिन से अजय कौल सर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं स्कूल के प्रिंसिपल हैं, मोहल्ला कमेटी के ट्रस्टी हैं, एक बहुत बड़ा काम उन्होंने शुरू किया है, एक बहुत बड़ी मदद ये एरिया में उनकी तरफ से मिली है। अनगिनत काम उन्होंने Day 1 से शुरू किया है, खुद बीमार रहते हुए भी उन्होंने अपने आप को इस चीज़ से पीछे नहीं रखा और हर काम किया उन्होंने जो ज़रूरी होना चाहिए। फूड पैकेट्स बांटना है, राशन बांटना है, महामारी में जो लोग अफेक्ट होते हैं उनकी सुविधा करना है, एम्बुलेंस, गवर्नमेंट मशीनरी, पुलिस, BMC ऑफिशल्स और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से उनके साथ में तालमेल करना, पेशेंट्स को यहाँ से वहाँ ले जाना, हर चीज़ की मदद उन्होंने की है। यहाँ तक कि जब रमज़ान का वक्त आया तो थोड़ी सी हमको ये फिक्र हो गई कि भाई अब रमज़ान का फ्रूट वेजिटेबल वगैरह कैसे मिलेगा हमको, क्योंकि एरिया पूरा लॉकडाउन था, तो उन्होंने उसका भी मुहैया करके दिया हमको। खुद के स्कूल के ग्राउंड में ही उन्होंने वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट खोल के दे दिया। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इस स्कूल के अंदर वो सोशल डिस्टेंसिंग का वो सारा प्रोटोकॉल जो होता है वो बराबर से मेंटेन होता है, लोगों की अच्छी तरह से लाइन लगती है और लोगों की सुविधा हो गई, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ थी वो सही तरीके से यहाँ पर मिल रही है। तो ये महामारी के साथ में पूरा गांव, पूरा वर्सोवा, पूरा अंधेरी एरिया कौल साहब के साथ में, उनकी संस्था एकता मंच, उनके सहयोगी प्रशांत सर जो भी साथ में हैं, उनके साथ में सब लोग जुड़े हुए हैं, हमारी कोली संस्था है यहाँ की गाँव की, या हमारी मुस्लिम संस्था है बोलो, सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बोलो, ये सब जुड़े हुए सर के साथ में और लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक ये वायरस यहाँ से जाता नहीं है, हमारी जंग जारी रहेगी। इंडिया चेयरमैन महेंद्र गजानन लड़के, पहला प्रथम मैं अजय सर और कपड़े का आभार व्यक्त करता हूँ कि डुमरी गली में अली गाँव में 10 गली है, उसमें एक गली डुमरी गली है और डुमरी गली के अंदर पेशेंट कोरोना पहला पेशेंट डुमरी गली में मिला था और उसमें से अभी 25 पेशेंट वापस आ गए और उसमें बहुत सहकार्य किया हम लोग ने, अजय सर ने, प्रतिमा खोपड़े और हमारे डुमरी का तरुण मंडल सब सबके घर में जाके सबका देखभाल किया है कैसा कोरोना खत्म हुए, इसके लिए अभी हम लोग को तसल्ली हो रही है। 30 आदमी में से 25 आदमी पेशेंट हमारे पास वापस आया है, भगवान को मैं प्रार्थना करता है कि बाकी का पाँच है वो भी जल्द से जल्द यात्रा में है, हमारे डोंगरीघर तरुण मंडल मंडल से पूरा कोरोना खत्म हो जाए। जैसे कि अजय कौल सर खुद बीमार होने के बावजूद उनकी जो मंशा है कि ये विभाग में कोरोना का फैलाव रोके, उस विभाग में ये कोरोना का फैलाव रोकने के लिए तो जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही प्राउड फीलिंग होता है हर एक वर्सोवासी को
वर्षों गांव के लोग बोलो, जारी रोड विभाग के बोलो, या हमारे जैसे शिवसेना के कार्यकर्ता भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। आज जो ये होम्योपैथी मिशन लेके वो सामने आए हैं पब्लिक के सामने, ये बहुत ही ज़रूरतमंद है, ताकि इम्यूनिटी जो है, जो जिसके पास इम्यूनिटी कम है उसको दवा अच्छी तरीके से उपलब्ध हो। और इस कोरोना के बीमारी में जो मेन ये है बात है वो खुद की इम्यूनिटी, इम्यूनिटी ज़्यादा होने से कोरोना का बचाव हो सकता है, ये तय हुआ। ये एक तरीके से ये घोषित हुआ, तो ये मिशन कामयाब रहे और इस वर्षा विभाग में कम जल्दी से जल्दी कोरोना का फैलाव रोके, यही मैं ईश्वर चरणी प्रार्थना करूंगा। और अजय कौल सर को उम्र उनकी स्वास्थ्य में बढ़ोतरी दे, यही ईश्वर चरणी से। थैंक यू सो मच।